बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूँ आपके साथ सरताज अल्ताफ। पेश है अब तक की सबसे ऊपर 10 सुर्खियाँ, आइए फटाफट नज़र डालते हैं इन अहम सुर्खियों पर। मौसम ने ली करवट, शबाना दर्ज हरारत में नुमाया बेहतरी, पीर पंचाल के आर पार बर्फ व बारा, वादी के बालाई और सियाहती मकामात बर्फ से ढक गए, बाज मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी, मगल रोड लद्दाख शहरा हनोज बंद, 13 जनवरी तक मौसमी सूरत हाल जू की तू रहने का इम्कान। मछिल सेक्टर में फौज की ऑपरेशनल पार्टी को हादसा, जेसीओ समेत 3 फौजी खाई में गिरकर अजान, आखिरी रसूमात आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ अदा की जाएगी, दिफाई तर्जुमान का बयान। शोपियां की खातून का मक्का मुअज्जमा में इंतकाल, इमाम काबा ने नमाजी जनाजा पढ़ाई। खते पीर पंचाल में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, तलाशी ऑपरेशन का दायरा वसी, पुंछ और राजौरी के जंगलाती इलाकों का मुहासरा, तलाशी कार्रवाई जारी। कश्मीर में यूएपीए मुकदमात की समात, 6 अदालतें कायम, नोटिफिकेशन जारी। जम्मू में शदीद धुंध और ठंड बरकरार, लोगों को मुश्किलात, जमीनी व हवाई ट्रैफिक मुतासिर, 4 परवाजें मंसूब। ब्रारीपोरा में हंदवारा पुलिस की नाका चेकिंग के दौरान कार्रवाई, लाखों रुपए से बड़ा गीजर कार से बरामद, 57,33,000 रुपए की नकदी रकम जब्त, 1 मुलाजिम गिरफ्तार, मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। जूनियर इंजीनियरों और पुलिस इंस्पेक्टरों के भर्ती लिस्ट में दांत लिया, सीबीआई ने मजीद 2 ऑफिसर को किया गिरफ्तार। रईस मोहम्मद भट्ट ने डीआईजी जनूबी कश्मीर का ओहदा संभाला, कहा मंशियात समेत समाजी बुराइयों का खात्मा तरजी। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में कशीदगी जारी, सरहदों की हिफाजत के लिए पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नस्ब करने का फैसला। आइए आखिर में डालते हैं आज के कोरोना ग्राफ पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में कोरोना की लहर तकरीबन ख़त्म, किसी भी ज़िला में कोई नया केस नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान सरताज अल्ताफ को दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए ख्याल, रहे रब के हवाले, अल्लाह निगेबान। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।